आज बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री जीवेश मिश्रा जी एवं रोसड़ा के विधायक वीरेंद्र कुमार के दरभंगा सदन पर प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा पाक चादर एवं माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर विजय चौधरी, आदित्य नारायण, विकास चौधरी, रामबाबू प्रसाद, अविनाश कुमार, पप्पू, अंकुर गुप्ता और सुबोध चौधरी, निशांत चौधरी, विक्रम चौधरी, स्वर्ण महतो, उदय शर्मा, रमन महतो, गोविंद जा, राकेश कुमार, बबलू पंजियार, मुन्ना ठाकुर, अनिल सिन्हा, विकास कुमार, शुभम कुमार, आशीष कुमार, इंद्रजीत कुमार, संतोष सिंह, मनोज कुमार, राजेश महतो, चंदन सिंह, विवेक चौधरी, मृत्युंजय सिंह, सबील अनवर, दीपक पंजियार, रुद्रेश रुद्रम, दीपक झा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम मिथिलांचल के छी, आँ तो माटि पानी के कहीं ना कहीं तो जे है के उपज दिखाई पड़े के चाहिए ना, आँ आ संस्कृति जे है मिथिला के पहचान रहले, बुझलिए, या चलते हम अपन संस्कृति में जे है देवानी में अपन शपथ ग्रहण के लिए आगे आगे संस्कृत को कितना आगे तक ले जाना चाहेंगे आप? हम तो चाहे छी जे संस्कृत ऐसा भाषा है जैमे गणितो है और विज्ञानो है और साहित्य भी है, ऐसा दुनिया के कोई अथी नहीं है और हर जात के एक भाषा हो और अपन अथी जे है के भाषा के संस्कृति हो वैसे क्षेत्र के पहचान मिले और मिथिलांचल के प्रवेश द्वार पर छी लग कनी हमर टोन जाए शुरुआती वाला है कनी मधी मिल जाए ये चलते जे एक अन्यथा नहीं माल मानव लेकिन मिथिलांचल के प्रवेश द्वार पर छी ये जे है दिखा पड़े के चाहिए। जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आपके तरफ से? मिथिलांचल दुनिया के ऊ भूभाग है बुझलिए जैमे कभी जातीय संघर्ष नहीं होले हन या सामाजिक समरसता वाला परिक्षेत्र जी जैमे शांति सौहार्द स्वाभाविक रूप से बनल रहे। मंत्री जी आपके साथ बैठे हुए हैं जी, मंत्री जी से क्या अपेक्षा है? मंत्री जी से तो यह अपेक्षा है जो मिथिलांचल में जो है पान मखान माछ के जो है बड़ा अथी रहा है आई जो है दोसर प्रदेश से दोसर प्रांत से जो अबे है अं के लिए हमारा यहाँ जो कमला बागमती और अन्य नदी के जो है कुछ धारा लुप्त हो गए हैं ओकरा जो है उराही कमे जो है चेक डैम बना कर रोजगारों के सृजन करी आ माछ के लिए आत्मनिर्भर हो जाए और हम दुनिया में जो है बढ़िया बढ़िया माछ के जैसे जो है पश्चिम बंगाल में हिलसा मछली के पहचान बनल है उ माछ उपजा कर जो हम दुनिया के दी ई मंत्री जी से हमारा अपेक्षा। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज़।